पवन सिंह की मूवी हर हर गंगे को लेकर इस समय एक बड़ी खबर आ रही है सामने, और ये खबर शायद सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि भाई पवन सिंह जो है उनकी दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने डबिंग खत्म की है। और यही नहीं, आपको बताऊं कि ये जो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये हमारे सीनियर धर्म जी के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार है, तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये खबर जो है झूठी होगी। तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी भारत और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदू। आप सब जानते हैं कि पवन सिंह की एक मूवी जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और पवन सिंह खुद भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि पूरा का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो पवन सिंह को पसंद करता है, जिनको आरा के राजा भी बुलाया जाता है। तो आपको बता दूं कि पवन सिंह जो है उन्होंने अपनी फिल्म हर हर गंगे की डबिंग जो है वो ख़त्म कर दी है, और डबिंग जो है भाई सिर्फ 2 दिन के अंदर ख़त्म की है, जिसमें से पहले दिन उन्होंने टोटल 3 घंटे लिए और दूसरे दिन उन्होंने 4 घंटे लिए। और यही नहीं, इस मूवी को लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, बहुत सारे लोग इस मूवी के खिलाफ थे ये कहते हुए कि यार ये मूवी जो है ना पक्का फ्लॉप हो जाएगी। इसका मेन रीज़न था लोगों का ये कहने का कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई फिल्म पहली बार जो है इतनी लंबी शूट हुई है। इस मूवी का टोटल अगर आप दिन देखेंगे जितने दिन में मूवी जो है शूट हुई है, तो 70 दिन मूवी जो है शूट हुई है लगातार नॉनस्टॉप, जिसकी वजह से लोग इस मूवी के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। लोगों का ये कहना था कि यार ये कैसे हो सकता है कि कोई 70 दिन मूवी शूट कर रहा है और वो मूवी हिट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इस चीज़ पर मान ही नहीं सकते कि 70 दिन ये मूवी हो और ये मूवी हिट हो जाए, ये मूवी पक्का फ्लॉप होगी, नहीं चलेगी। और जिस तरीके से मूवी पे पैसा लोग लगा रहे हैं पक्का पैसा जो है लॉस में चला जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों का शायद हो सकता है कि यार मुंह पे ताला लगे जब पावर स्टार पवन सिंह अपनी इस मूवी को लेकर आए। और आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अप्रैल के सेकेंड वीक में आपको हर हर गंगे का टीजर मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, दूसरे वीक में आपको हर हर गंगे का टीजर जो है वो रिलीज होगा। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय हैं, और यही नहीं इस मूवी का जो मीडिया पार्टनर है वो है हम, यानी कि देसी भारत। और आपको बता दूं जाते जाते अगर ये खबर भी आपको मैं देना चाहूंगा कि इस मूवी का अभी भी कुछ पार्ट शूट होना बाकी है, और जिस तरीके से इस मूवी में मतलब जिस तरीके से पवन सिंह ने मेहनत की है वो मेहनत पूरी तरीके से दिख कर आने वाली है ऑन स्क्रीन, और लोग इस मूवी को बहुत पसंद करने वाले हैं। पवन सिंह ने इस मूवी के पीछे बहुत मेहनत की, इस मूवी को लोगों ने नापसंद भी किया बीच में, कि खिलाफ हो गए बहुत सारे लोग, फिर चाहे वो बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स भी हों, सभी लोगों ने खिलाफ आकर बहुत बार खिलाफ जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मूवी की शूटिंग इस समय डबिंग खत्म हो चुकी है, और आपको बता दूं कि जाते जाते ये भी खबर दे दूं कि मूवी का जो शूटिंग है वो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक मूवी के 2 सॉन्ग्स जो हैं, 2 गाने जो हैं, सबसे बड़े सॉन्ग या बोल सकते हो रिलीज होने, शूट होने बाकी हैं, शूट होने बाकी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें से एक गाना जो है वो आइटम सॉन्ग है, आइटम नंबर है, और एक गाना जो है वो टाइटल सॉन्ग है, यानी कि जो मूवी का नाम है हर हर गंगे उसी नाम पर बेस्ड है। तो अब लोगों में उत्साह इस बात का बना हुआ है कि यार जितना बस इस मूवी ने बना दिया है कि यार कब रिलीज होगा, अब ऐसा लग रहा है कि शायद उन फैंस को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इंतज़ार जो है वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में थोड़ा तो ख़त्म होगा जब इस मूवी का टीज़र आएगा, लेकिन तभी तक के लिए जब तक ये मूवी रिलीज़ नहीं होती तब तक तो हमको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि देसी भारत के साथ। धन्यवाद।